नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज एक और वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटी फार्मा कंपनी जिसका नाम है लिंकन फार्मा लिमिटेड। लिंकन फार्मा लिमिटेड में हमें एक बहुत ही बुलिश पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है। इस स्टॉक में आप देख सकते हैं फार्मा कंपनीज में जहाँ पे बहुत हाई पी है, ये स्टॉक केवल 8 के पी पे करंटली ट्रेड करता है और ये फंडामेंटली भी हमें सस्ता दिखाई देता है। लेकिन इस स्टॉक में वोलेटिलिटी काफ़ी है और इसमें जो मेन कंसर्न है वो इसकी प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा कम है, अप्रॉक्सीमेटली 35% के आसपास। अदरवाइज़ ये स्टॉक एक अच्छे बुल रन के लिए हमें तैयार दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं ये छोटी मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची है डेली चार्ट्स पे। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है और इसने ये हमारा एक फेमस पैटर्न जो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो बनाया है। यहाँ पे ये शोल्डर हो गया इसका, यहाँ पे हेड हो गया और यहाँ पे शोल्डर हो गया। अब ये स्टॉक ने आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रेकआउट लिया और फिर इस लाइन को रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर गया है। तो ये जो रीटेस्ट पॉइंट है ये हमारा बेस्ट बाइंग पॉइंट होता है 190, लेकिन अभी स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 207 के करीब। तो आप इसमें अगर पोजिशंस बनाते हैं वो 200 के करीब कोशिश करिए। साथ ही साथ एक स्टॉप लगा सकते हैं यहाँ पर जो कि 166 लेवल्स पे, इसके जो 200 DMA लाइन है वो भी 169 के लेवल्स पे ही है। तो 166 के लेवल्स पे हम इसमें स्टॉप लगा के रख सकते हैं, 200 के करीब आए तो इसमें पोजीशन बनाएंगे। और जो हमारे टारगेट्स इनिशियल दिखाई दे रहे हैं वो 254 एंड 274 और फाइनल टारगेट्स 305। तो 200 DMA लाइन को भी इसने क्रॉस कराया, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस करा था तो इसमें अच्छी तेज़ी बनी थी, लेकिन ये इसको सस्टेन नहीं कर पाया। फिर यहाँ पे इसने कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया 200 DMA पे, फाइनली इसको ब्रोक कर दिया। और ये देख सकते हैं 2019 के स्टार्ट में ब्रोक करा था, तो एक साल से ये एक हमारी ट्रेंड लाइन आप मान सकते हैं जो कि एक साल से स्टॉक को रोके हुए थी। साथ ही साथ 200 DMA, तो पहले जब ब्रेकआउट मिला तब इस लाइन पर इसको रेजिस्टेंस मिला और इसने दोबारा 200 DMA को टेस्ट करा, लेकिन अब की बार इसने 200 DMA और जो डाउन स्लोपिंग लाइन है उनको दोनों को तोड़ दिया। डाउन स्लोपिंग लाइन और 200 DMA को तोड़ा है एक साल के बाद। आप देख सकते हैं 219 के स्टार्टिंग में ये शुरू हुआ और ये बहुत ही अच्छा ये स्टॉक देख सकते हैं कंसोलिडेट हुआ है। साथ ही साथ इसने जो हमारा बुलिश पैटर्न है वो बनाया है जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये दो शोल्डर्स हैं, ये इसका हेड है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यानी कि हम इतनी तेज़ी इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये नीचे में अप्रॉक्सीमेटली 125 लेवल्स से और 200 के लेवल्स, यानी कि 75 पॉइंट्स या 80 पॉइंट्स जैसा हमें अपसाइड मिल सकता है जो कि ब्रेकआउट पॉइंट है वहाँ से। तो हमारा जो 275 का टारगेट है वो हमें आता हुआ अचीव होता हुआ लगता है स्टॉक में कुछ ही टाइम में, कुछ टाइम से मतलब 3 to 6 months में। और अगर आप लंबा होल्ड करते हैं 12 months में तो 300 जैसे टारगेट्स भी इसमें अनफोल्ड होते हुए दिखाई देंगे। तो ये इसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस करा है, बेसिकली फंडामेंटल भी आपको एक वीडियो में दिखाएंगे। बट ये एक चीप ट्रेडिंग स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ फार्मा, क्योंकि इसका PE केवल 8 है और इसमें प्रोमोटर होल्डिंग लो है थोड़ी सी और रिजल्ट्स वोलेटाइल रहते हैं। लेकिन कंपनी बेसिकली अपने मार्जिनस के ऊपर काम कर रही है और अपने मार्जिनस इंक्रीज़ कर रही है। पहले कंपनी क्या था, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करती थी, लेकिन अब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया है और एक्सपोर्ट्स करने शुरू कर दिए हैं, तो इसकी वजह से कंपनी की मार्जिन्स इंप्रूव हो रही हैं। तो ये बात थी लिंकन फार्मा के बारे में जिस पर आप एक नज़र बना सकते हैं, क्योंकि इसने अपना टेक्निकल ब्रेकआउट दिया है और ये एक अच्छे लेवल्स होते हैं 200 के करीब जहाँ पर आप इसमें एक पोजिशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर आप इसमें कोई भी पोजीशन बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह लें। आज के वीडियो में इतना ही था और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को क्लिक करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।